back to my YouTube channel. I hope you all doing good in your exams. मेरे exams तो खत्म हो गए हैं, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक और मजेदार वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं past indefinite tenses। इससे पहले वाले tense की series में हम लोग present tense complete कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा past indefinite tense। past indefinite tense सबसे easy tense है इन 12 tenses में से। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल जाने, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट हम यूज क्यों करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे पास्ट तो हमें समझ में आ गया जो काम पहले हो चुका है। अब इंडेफिनिट का क्या मतलब है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडेफिनिट का ये मतलब है कि जो काम पास्ट में हो चुका है लेकिन जो उसका टाइम है वो इंडेफिनिट है, वो हमें पता नहीं है कि वो काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब चल रहा था, कितनी देर से चल रहा था, वो हमें नहीं पता, तो ये कहलाता है हमारा पास इंडेफिनिट। जैसे मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने कब से खेला, कब तक खेला, कितनी देर खेला, यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे टाइम जो है वो क्या है? इंडेफिनिट है, और ये काम पास्ट में हो भी चुका है, इसलिए इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव रूल। तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस यानी कि जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है कि सब्जेक्ट लगा लीजिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सब के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आई, यू के साथ कुछ और है, वी के साथ कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैंने, यानी कि मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई, आई लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद खेला वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, और प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी कि सेकेंड फॉर्म हो गई हमारी प्लेड, तो यहाँ हम लगा दिया प्लेड, आई प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो यहाँ लगा दिया क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। ऐसे ही तुमने क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी प्लेड, और ऑब्जेक्ट लग जाएगा क्रिकेट। अगर मैं बोलती तुमने खेला और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट नहीं है, तो क्रिकेट नहीं लगता, ठीक है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम देख लेते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो मेन वर्ब होगा उससे हमें सेकंड फॉर्म हटा देनी है और फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। ये और आसान हो गया। बस आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, सोहन, मोहन, टीचर, सबके साथ आपको क्या लगाना है डिड। उसके साथ ऑब्वियसली क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है नॉट लगेगा। उसके बाद लगेगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। चलिए फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने आई। उसके बाद हमें पता है कि आई के साथ क्या लगेगा? डिड, और फिर नॉट, और फिर क्योंकि यहाँ पे डिड लग चुका है प्ले की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, प्ले की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो हो जाएगी प्ले, और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लगा दिया। अब यहाँ पे तुमने खाना नहीं बनाया तो ये क्या हो गया? यू
सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट लग जाएगा। उसके बाद कुक की फर्स्ट फॉर्म तो कुक ही होती है, तो हमने यहाँ पे कुक लगा दिया और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो यू डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, यहाँ पे टीचर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाया तो टीचर हमारे सब्जेक्ट है, डिड नॉट लग जाएगा। सिंपल आपको आर्ग्यूमेंट करके पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में सबके साथ डिड नॉट लगा देना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज टीच और फिर इंग्लिश जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि हम जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो उसके सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, मतलब आप नेगेटिव फॉर्म करें चाहे इंट्रोगेटिव फॉर्म करें, इस इन दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा डिड। अब हम सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आना होता है। तो सब्जेक्ट के पहले हमने लगा दिया डिड, उसके बाद लगेंगे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम लगा दे, जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे सबके साथ डिड ही लगेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में आ गई डू के, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या मैंने क्रिकेट खेला, तो सबसे पहले तो लग जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि मैं हूँ तो डिड आई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे खेला यानी कि प्ले लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है और ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने बोला होता कि मैंने खेला और क्रिकेट नहीं बोला होता तो यहाँ पे क्रिकेट नहीं लगता, ठीक है, डिड आई प्ले ही हो जाता। अब क्या तुमने खाना बनाया, तो यहाँ पे सबसे पहले लगेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, तो सब फिर लगेगा यू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज कुक और फिर फूड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया, तो डिड टीचर टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू स्मार्ट लर्निंग फॉर सच वीडियो।